Next student, welcome back to our EBS class 4. Today we will be learning about farming. So basically, farming is the activity of cultivating soil for the purpose of growing crop on a large scale. Farming मतलब खेती करना और इसके अलग अलग step होते हैं. For example, सबसे पहला step है soil tilling and ploughing. दूसरे step में आएगा sowing seeds. थर्ड स्टेप होगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फोर्थ विल बी इरिगेशन. फिफ्थ इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. सिक्स इज हार्वेस्टिंग एंड सेवन इज स्टोरिंग. सो देर विल बी सेवन स्टेप इन विच कम्स अंडर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. सो लेट्स स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज प्लॉइंग. तो बेसिकली प्लॉइंग मतलब जो खेत का मिट्टी होता है उसको लूज करना, ब्रेक करना, ताकि आराम से आप जब बीज डालेंगे तो ये एरिटेटिंग हो जाएगा, एयर आप आसानी से अंदर जा सकता है और जो भी वीड्स अनवांटेड प्लांट है वो भी आसानी से निकल सकते हैं. तो इट इज़ द ब्रेकिंग, लूजनिंग द सॉइल एंड टर्निंग इट ओवर द अपरूटिंग वीड्स. मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करना, उसको कहते हैं प्लॉइंग. दूसरा है सोइंग सीड. आप देख सकते हैं हमें कोई भी फसल उगाने से पहले एक पूरा प्रिपरेशन चाहिए रहता है खेती का. सबसे पहले हमने प्लॉइंग किया है, दूसरे नंबर पे है सोइंग सीड. फिर हम एक बार जब आपका खेत मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसके बाद हम बीज डालते हैं. दैट इज कॉल्ड सोइंग सीड. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड. थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ये खाद है एंड ये इसलिए डाला जाता है टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, ताकि आपकी फसल अच्छी उपजाऊ हो. अगला है इरिगेशन. इरिगेशन मतलब द क्रॉप्स आर इरिगेटेड एट प्रॉपर इंटरवल थ्रू आउट देयर ग्रोइंग पीरियड. आप देख सकते हैं किस तरह से फसल में पानी डाला जा रहा है. उसके बाद जब फसल अच्छी हो जाती है तो रिमूविंग वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, घास और एक्स्ट्रा चीजें जो आपकी फसल के साथ उगते हैं. तो बेसिकली इट इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग वाइल्ड प्लांट्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे आर नॉट वांटेड. अगला है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग कुछ भी नहीं मगर ये है व्हेन द क्रॉप इज राइप इट इज कट. ये सब एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में है कि जब क्रॉप को जब पक जाता है उसको काटा जाता है, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग. फिर थ्रेशिंग है. थ्रेशिंग इज डन टू सेपरेट द सीड फ्रॉम द चैफ. जब एक बार बीज निकल जाता है, फॉर एग्जाम्पल गेहूं, तो उसको बोरे में भरा जाता है और स्टोर किया जाता है. इसी तरह आपके पास कोई भी सीरियल या कोई भी अनाज आने से पहले ये सारा प्रोसेस होता है. तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस